अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के न्यू यूजर हैं या क्रेडिट कार्ड आप पहले से यूज कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, इन छह बातों को आपको ध्यान रखना होगा तभी आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं यहाँ पर कि वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, उन छह जगहों के बारे में बताऊंगा कहाँ आपको क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे तो अभी तक आप लोग ये जानते होंगे क्रेडिट कार्ड का यूज करने से ये फायदे हैं, कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में आपने जाना होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होती हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड को आपको यूज नहीं करना चाहिए या फिर यूज करते हैं तो उनको बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कितना चार्ज आप एक्स्ट्रा वहां पर पे करेंगे अपने कार्ड को यूज करने के लिए। ये बातें मैं यहां पर नेगेटिव चीजें नहीं बता रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड का यूज आप ना करें, इसलिए बता रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप अवेयर रहें और कहां आपको कार्ड यूज करना है, कहां कार्ड आपको यूज नहीं करना, ये चीजें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। तो छह चीजों के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी, और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा क्या ये चीजें आपको पहले से पता थी या नहीं। पहली चीजें यहां पर आती है IRCTC की वेबसाइट्स पे। आपको IRCTC की वेबसाइट्स पर अगर कार्ड यूज करते हैं तो 1% का वहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, रेलवे टिकट बुकिंग भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड का आप यूज करते हैं तो 1% यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि IRCTC की वेबसाइट्स पे आपको 1% चार्ज लगता है। ये चीजें कॉमन है, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। दूसरी चीज यहाँ पे है पेट्रोल पंप पे कार्ड को यूज करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज पेट्रोल पंप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी तरीके से आप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो पे करने ही पड़ जाएंगे। जैसे कि बात करें क्रेडिट कार्ड में पेट्रोल पंप का यूज़ करते हैं तो 1% का सरचार्ज वहाँ पर लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर सरचार्ज तो वेबर भी होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी क्लेम कर दी कि आपको सरचार्ज वेबर दिया जा रहा है। जैसे कि मैं और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँ तो लगभग यहाँ पर सभी क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलता है 1% का, लेकिन वहाँ पर भी कंडीशंस होती है। अगर कंडीशंस को आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको 400 से 4000 के बीच करना या फिर 500 से 5000 के बीच का ही करना है तभी आपको यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेबर मिल भी जाता है उसके ऊपर भी आपको तब भी एक्स्ट्रा चार्ज लगते ही है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 4000 का आपने फ्यूल लिया, वहाँ पर आपको 4040 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड से कटे, लेकिन 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेबर होता है वो आपको वापस आ गया, मीन्स 40 रुपये आपको रिटर्न आ गए। लेकिन जो 40 रुपये के ऊपर एक GST भी अमाउंट लगता है वो आपको मेंशन होगा, जहीं भी टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो वो आप देखेंगे। तो वहाँ पर जो फ्यूल सरचार्ज के ऊपर इंटरेस्ट लगा, आपका फ्यूल सरचार्ज तो वापस आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट वापस नहीं आता, जो कि 4000 का आप लिए 40 रुपये का 18% GST 7 रुपये 20 पैसा होता है। तो ये 7 रुपये 20 पैसा जो है 4000 के ट्रांजेक्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट लगा वो आपको वापस नहीं आने वाला, तो ये चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसके ऊपर ये चार्जेस डिपेंड करते हैं। तीन चीज़ों को आपको ध्यान होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ पेट्रोल पंप पे कर दें तो इन चार्जेस के बारे में भी आपको अवेयर होना ज़रूरी होता है। तीसरा जगह यहाँ पर है ATM से कैश विड्रो करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ATM से कैश विड्रो कर रहे हैं तो ये गलती आप ना करें। बाकी गलती तो कर सकते हैं चलेगा, वहाँ पर नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये गलती करते हैं तो सबसे ज़्यादा चार्जेस आपको कैश विड्रॉल में ही देने पड़ते हैं। यहाँ पर टोटल दो तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना यूज़ कर रहे हो, सभी पर ये कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आप ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो एक चार्ज करता है कैश इन एडवांस फी, दूसरा चार्ज होता है फाइनेंस चार्जेस। कैश इन एडवांस फी आपको यहाँ पर सभी बैंकों में अलग अलग होता है, कुछ बैंकों में यहाँ पर 300 से लेकर 500 रुपीज़ के बीच में होता है, और यहाँ पर ये मिनिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट 2.5% होता है, मीन जितने भी अमाउंट होगा उसका 2.5% आपको यहाँ पर कैश इन एडवांस फी के नाम पर बैंक्स लेती है, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना आप यूज़ करें। उसके बाद दूसरा चार्जेस होता है फाइनेंस चार्जेस होता है। फाइनेंस चार्जेस होता है यहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये नहीं, यहाँ टोटल 50% के अराउंड यहाँ पर फाइनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, और पर डे से वो काउंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। 50 रुपीज़ पर एनुअल चार्जेस है, यहाँ पर डे के हिसाब से वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने 2000 रुपये ATM से विड्रॉ कर लिए तो उस पर जो कैश एंड एडवांस फी लगा वो तो अलग ही, उसके ऊपर फिर फाइनेंस चार्जेस लगते रहेंगे। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं कितना चार्जेस आपको ATM से कैश विड्रॉ के ऊपर लग जाता है, तो ये वीडियो आप डिटेल में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर GST भी लगता है तो वो चार्जेस भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ATM से कैश विड्रॉ करने के पहले आप 10 बार सोच लें। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि आपको यहाँ पर कैश विड्रॉल के ऊपर कैशबैक मिलेगा, लेकिन ये एक ट्रैप है, उसमें आपको नहीं फंसना है। जो भी क्रेडिट कार्ड है आपको कैश विड्रॉल के ऊपर कैशबैक देती है तो कैश इन एडवांस फी जो लग रहा है वो वेव ऑफ कर देती है, या फिर
कैशबैक दे देते, लेकिन जो यहाँ पर चार्जेस हैं वो तो बेवकूफ नहीं होते हैं, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो 500 के कैशबैक के चलते आप यहाँ पर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर देंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी को। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिटेल में वीडियोस आप ज़रूर देख लें। चौथा जगह यहाँ पर है गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करना। अगर टैक्सेस पे करते हैं, व्हीकल टैक्सेस आप पे करने जाते हैं गवर्नमेंट साइट्स से, तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है, 2% से लेके 5% तक यहाँ पर चार्जेस हो जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं व्हीकल का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह के चार्जेस भी आपको क्रेडिट कार्ड में देने पड़ते हैं अगर आप टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट टैक्सेस यहाँ पर पे करते हैं, तो ये चार्जेस आपको फेस करने होते हैं। पांचवी चीजें यहाँ पर है फॉरेन ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट कार्ड का यूज आप फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, तो वहां पर आपको फॉरेन मार्कअप चार्जेस देने पड़ते हैं। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर 2% होते हैं, ऐसे नॉर्मली जो होते हैं 3.5% आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी इसको कहते हैं। तो ये चार्जेस आपको फेस करने पड़ते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। आप कोई चीज डॉलर में है, वहां आप उसको पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो आपको करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस आपको देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर 3.5% नॉर्मली होता है। अगर आपका बढ़िया यानी कि ज्यादा चार्जेस वाला कार्ड है, कुछ हाई वेरिएंट वाले कार्ड है, इसमें 2% लिए जाते हैं। तो ये चार्जेस लगभग सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी लगाती है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन भी होता है। अगर आप देखेंगे फॉरेन मार्कअप चार्जेस करके वहाँ लिखा होता है 3.5% या 2% ये चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर फॉरेन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में होना जरूरी है कि यहाँ पर इस चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। छठा चीज़ है जो कॉमन चीज़ है, हम लोग ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं वॉलेट रिलोड करने में। क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप वॉलेट रिलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको 2% से लेके 3% तक का चार्जेस यहाँ पर देना पड़ता है, जो भी ऑथेंटिक यहाँ पर वॉलेट है। अगर कोई यहाँ पर ऑथेंटिक वॉलेट नहीं है, बहुत सारे वॉलेट्स क्लेम करते हैं कि आप मेरे वॉलेट का यूज़ करें, वहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफ़र करवाऊँगा तो यहाँ पर 0% चार्ज रहेगा, तो वो ऑथेंटिक नहीं होता है। तो मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता, इसलिए मैंने अपने चैनल पर कभी भी वैसे वीडियोज़ नहीं बनाए हैं जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस में आपको पैसे ऐड करवाते हैं और बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं। वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस 100% होते हैं कि ये ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक जेन्युइन प्रोसेस नहीं है। कोई भी आप जेन्युइन प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे कि पेटीएम ऐप या फोनपे वॉलेट या पेजैप एप्लीकेशन पे आप वॉलेट रिलोड करेंगे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो वहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 2% से लेकर 3% तक। उसके बाद आप बैंक में ट्रांसफर करें या जहाँ भी आप उसे यूज़ करना चाहें करें, अपने अकॉर्डिंग कर सकेंगे। चार्जेस तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। अगर आप विदाउट चार्जेस वाला ऐप डाउनलोड करके ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ आपके पैसे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि उस एप्लीकेशन का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन आपकी कहां ले रही है, कहां दे रही है। वहां पर अगर आपने 1000 ट्रांजेक्शन, 1000 लोगों ने वैसा चीजें की, एड मनी किसी एक लोगों का भी वहां पर पैसा फंस गया, उसका कोई यहाँ पर कस्टमर केयर कस्टमर सपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पैसे फंस सकते हैं वहाँ पर 0% के चार्जेस को लेके। तो ये चीज़ों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जो भी ऑथेंटिक ऐप है उसका यूज़ करें, लेकिन ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। आई होप कि कुछ नया चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिला होगा इस वीडियोज़ के थ्रू। क्या आप लोगों को ये चार्जेस के बारे में पता था कि इन जगहों पर यूज़ करने पर आपको इस तरह के चार्जेस क्रेडिट कार्ड से देने होते हैं? अगर आपको पता था, नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आगे मेरे चैनल पर और वीडियोज इससे रिलेटेड आपको मिलती रहेगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की सोचूंगा।